हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज विजडम में। मेरा नाम है सारिका कुमारी। रोज की तरह मैं आज भी वीडियो लेके आई हूँ जो क्लास सिक्स की साइंस है, चैप्टर थ्री, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी कि जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उसके कितनी वैराइटीज़ होते हैं, ठीक है। ये कपड़े बनते कैसे हैं, ठीक है। बहुत सारे धागों से मिलकर कपड़े बनते हैं, तो आपको जानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होगा आपको ये जानने के लिए कि आखिर कपड़े जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे वैराइटीज़ के कपड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कपड़े के जो वैराइटीज़ होते हैं उसके कुछ रॉ मटेरियल होंगे, ये रॉ मटेरियल हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और वीडियो को जरूर देखेंगे, पूरे कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पेरेंट्स जो हैं, जो इंटरेस्ट है इस वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करेंगे। और जहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। पहली एंड वो जो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और भुजो जो है अपने स्कूल में, उसके स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन होता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्राइज जीतते हैं, ठीक है। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं आपस में, पहली इन भुजो, कि वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या करेंगे, कुछ क्लॉथ्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, ठीक है, उस पैसे से। वैन दे सॉ ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स दे गॉट कन्फ्यूज। जब वो लोग मार्केट जाते हैं, दुकान जाते हैं खरीदने के लिए, तो वो बहुत सारे कपड़े के वैराइटीज़ को देखते हैं, तो वो इतने सारे कपड़े के वैराइटीज़ को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें से मैं कौन खरीदूँ, कौन ना खरीदूँ, क्योंकि उसे पहचान नहीं होती है कि कौन से कौन कपड़े होते हैं, इतने सारे वैराइटीज़ हैं, ये कपड़े बनते कैसे हैं। मतलब उन लोग के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। द शॉप कीपर एक्सप्लेन डेट सम क्लॉथ्स ऑफ फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो जो दुकानदार होते हैं उन दोनों को समझाते हैं, यानी पहले मुझे को एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ क्लॉथ जो है, यानी क्लॉथ यहाँ पे क्लॉथ और फैब्रिक दिया हुआ है, तो क्लॉथ को हम फैब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है क्लॉथ को हम लोग फैब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो शॉपकीपर बताते हैं, यानी दुकानदार बताते हैं कि उसके पास कुछ कपड़े जो हैं वो कॉटन के कपड़े हैं और कुछ कपड़े हैं सिंथेटिक कपड़े हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करके उस दोनों बच्चे को बताते हैं। ही ऑल्सो हैड उलेन मफलर्स एंड सॉल। इसके अलावा वो बताते हैं कि उनके दुकान में उलेन मफलर भी है और सॉल भी है। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल, और उसके साथ साथ सिल्क की बहुत सारी साड़ियाँ भी हैं उसके पास, ठीक है, उस दुकानदार के पास। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल। पहली एंड बुझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो पहली एंड बुझो जब ये जानते हैं कि इतने सारे वैराइटीज़ हैं उसके दुकान में कपड़े के, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कि कौन से कपड़े मैं अपने पेरेंट्स के लिए खरीदूँ। दे टस्ट एंड फील दिस डिफरेंट फैब्रिक। वो सारे क्या करते हैं, वो दोनों सारे कपड़े को टच करते हैं, छूते हैं, ठीक है, और वो टच करके ये देखना चाहते हैं कि क्या सारे कपड़े जो हैं एक ही जैसे बने हुए हैं, एक ही फैब्रिक के बने हुए हैं, तो वो टच करके ये फील करना चाहते थे, ठीक है। फाइनली दे बॉट ए उलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। तो लास्ट में वो क्या करते हैं, उलन मफलर खरीदते हैं और कॉटन की साड़ी खरीदते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। ऐसा चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप अपने स्कूल में कोई प्राइज जीतते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी खरीद सकते हैं, अपनी बहन के लिए, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर के लिए, अपने कज़न के लिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहली एंड बुझो बिगन एंड नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। तो कपड़े की दुकान पे वो लोग मतलब जब घूमते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत सारी चीज़ नोटिस करते हैं, जब विजिट कर लेते हैं, तो विजिट करने के बाद पहली और बुझो ने अपने आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बहुत प्रकार के वस्त्रों को क्या करते हैं, वस्त्रों यानी कपड़ों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर देते हैं। वो देखने लगते हैं कि वो जहाँ हैं उसके आसपास के एरिया में जितने लोग हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये चीज़ वो नोटिस करते हैं, ठीक है। दे फाउंड डैट बेड शीट ब्लैंकेट्स, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं बेडशीट को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए ये क्या है, शॉप है, ठीक है, ये शॉप है, देखिए है ना, एक क्लॉथ शॉप, ये कपड़े की दुकान है, इसमें बहुत सारे वैराइटीज़ के कपड़े हैं, ठीक है, आप देख ही रहे हो और इनफैक्ट आप गए भी होंगे दुकान, ठीक है। नेक्स्ट कर्टेंस टेबल क्लॉथ टॉल्स, उसके बाद एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। उसके अलावा क्या देखते हैं, वो लोग बेडशीट देखते हैं, यानी बिस्तर पर बिछाने वाला चादर, उसके बाद कंबल देखते हैं, उसके बाद पर्दे देखते हैं, ठीक है, उसके बाद
तौलिया देखते हैं, टॉवेल्स, फिर डस्टर झाड़ने वाला, ठीक है, ये सारे चीज़ वो देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के बने हुए हैं, यानी इतने सारे चीज़ अलग अलग कपड़े के बने हुए हैं, ठीक है। टॉवेल का कपड़ा अलग है, टेबल क्लॉथ का कपड़ा अलग है, पर्दे का कर्टन मतलब पर्दा का कपड़ा अलग है, डस्टर का कपड़ा अलग है, तो ये सारी चीज़ वो नोटिस करते हैं, ठीक है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गर्नी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। इसके अलावा वो क्या करते हैं, अपने स्कूल बैग को देखते हैं, ठीक है, उसके जो बैग है, फिर उसके बाद गर्नी बैग यानी बोरे, जिस बोरे में चावल रहता है, फिर आटा वगैरह रहता है, वो भी बोरे को वो देखते हैं। तो वो देखते हैं कि स्कूल बैग और चावल वाले बैग यानी गनी बैग्स वो सारे भी अलग अलग कपड़े के बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, ऊल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने इन सभी फैब्रिक्स की पहचान सूती कपड़ों, ऊनी से, रेशमी से और सिंथेटिक के रूप में की। क्या आप इस वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस कुछ फैब्रिक्स की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी कि जो फैब्रिक के वैरायटी होते हैं, तो आप कैसे जानोगे कि कपड़े के वैरायटीज़ हैं, तो इसे कुछ हम लोग एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे, ठीक है। विजिट है नियर बाय टेलरिंग शॉप, तो आपको क्या करना है, अपने दर्जी की दुकान के पास जाना है, विजिट करना है, ठीक है। कलेक्ट कटिंग ए फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, उसके बाद क्या करना है, सिलाई के बाद जो कपड़े बचते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि दर्जी जब कपड़ा सीते हैं तो कुछ कतरन बच जाते हैं, कुछ टुकड़े बच जाते हैं, तो उसे फेंक देते हैं वहीं पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो दोनों पहली बार बुझ जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ क्या करते हैं, वो जो टेलरिंग टेलर होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े के कुछ बचे हुए कतरन को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों उस कपड़े को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसके बाद क्या करते हैं, वो सारे कपड़े को टच करते हैं, ठीक है, टच करके फील करते हैं, आखिर ये कपड़े अलग अलग फैब्रिक के तो हैं। उसके बाद नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, ऊल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो दोनों हैं क्या करते हैं, दर्जी की सहायता से उससे पूछ कर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, सिंथेटिक का लेबल लगाते हैं, उस कपड़ों में लेबल लगा के चिपका देते हैं, ताकि उसे पहचान हो जाए कि ये सूती का कपड़ा है, ये ऊनी कपड़ा है, ये सिंथेटिक कपड़ा है, ठीक है। और किससे पूछते हैं, वो टेलर से पूछ कर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड अप, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली व्हाट डू यू नोटिस। उसके बाद क्या होता है, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फैब्रिक है किस प्रकार के बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो एक क्या होता है, एक फैब्रिक का टुकड़ा होता है, ठीक है, तो टुकड़ा किसका प्रतीत होता है। अब इसे आप ध्यान से देखिए आपने क्या देखा, ठीक है। अब हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे नहीं जानते हैं फैब्रिक को, तो आप भी दर्जी के पास जा करके वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक कॉपी में, स्क्रैप बुक में, अपनी स्क्रैप बुक में क्या करते हैं, उस कपड़े के टुकड़े को चिपका सकते हैं, उसका लेवल लगा सकते हैं। आपने अगर कॉटन के कपड़े को देखा है तो कॉटन का लेवल लगा लें, तो इस तरह क्या होगा, आपको पहचान हो जाएगी कि ये कॉटन कपड़े हैं, ये सिंथेटिक है, उलेन है, ओके। नाउ हम लोग एक्टिविटी टू के थ्रू समझेंगे। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल एंड एक्टिविटी वन। आपने एक्टिविटी वन में जो कपड़े को सेलेक्ट किया था उसमें से कोई एक कपड़ा आप ले लीजिए, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यान एट वन ऑफ द एजेस एंड फूल इट आउट। उसके बाद आपको क्या करना है कि सूती के कपड़ा का वह टुकड़ा चुनना है आपको, जिस पर आपने एक्टिविटी वन में क्या किया था, लेवल लगाया था, उसका नाम लिखा था। इसके एक सिरे को कोई ढीला धागा होता है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। जिस कपड़े को आपने चुना था उस कपड़े में कोई धागा होगा, उस धागों को क्या कीजिए, ध्यान से आपको ढूंढना है कि कहाँ कोई धागा पतला सा निकला हुआ है, उसे आपको ढूंढने का प्रयास करना है, और उसे क्या करना है, उसे बाहर खींचना है, ठीक है, पुल करना है, खींचना है, ठीक है। इफ नो लूज नाउ इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और ए नीडल। यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे तो आप पिन या सुई की सहायता से आप एक धागा को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप यार्न अरेंज टुगेदर, व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप। तो आप देखेंगे कि
धागों को एक तरह से व्यवस्थित करने पर एक वस्त्र बना है। जब आप देखेंगे कि आप उस धागा को खींच रहे हैं, जब खींचते जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सारा धागा मिलके क्या बना है, एक फैब्रिक बना है, यानी एक कपड़ा बना है। तो आपको पता चल गया कि बहुत सारे धागे को मिला करके कपड़ा बना जाता है, यानी फैब्रिक बना जाता है। ठीक है, तो व्हाट आर दिस यार्न, ये यार्न जो होते हैं, यानी कि जो यार्न किसको बोलते हैं, धागे यानी तागा को, तागा भी बोल सकते हैं हम लोग, इसे धागा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये धागा किससे बने होते हैं तो हम लोग आगे जानेंगे। जैसे देखिए इस फिगर में देखिए ये क्या है, ये धागा है, देखिए इसको पुल किया जा रहा है, देखिए ये पुल कर रहे हैं, यानी इतने सारे चीज मिल करके ये क्या बना है, एक कपड़ा बना है, यानी एक फैब्रिक बना है। ठीक है, आपको ये पता चल गया। तो नेक्स्ट अब है फाइबर। ठीक है, ये फाइबर क्या होता है, यानी धागा। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, आपको क्या करना है, किसी सूती कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसका धागा को बाहर निकालना है। ठीक है, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उस धागा को क्या करना है, टेबल के ऊपर रख देना है। नाउ प्रेस वन इंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, अब आपको क्या करना है, उस धागा का टुकड़े को एक सिरे से अपने अंगूठे से दबाना है। ठीक है, स्क्रैच द अदर इंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल्स एज शोन फिगर 3.4। डू यू फाइंड दैट एट दिस इंड द यार्न इज स्पिल्ड अप इनटू थिन स्ट्रैंड, आप देखेंगे कि तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश आपको क्या करना है, जो चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार अपने नाखून से खरोचना है। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि जो धागा है पतली लड़ियों में विखंडित है, पतली स्ट्रिप्स, ठीक है, स्ट्रैंड्स, जो पतली पतली पतली, जैसे कि ये पतला पतला लड़ी होता है, ये लड़ी, ठीक है, इस नली को आप अगर तानेंगे खरोचेंगे तो आपको ना पतला पतला यहाँ पे लड़ी दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने अंगूठे से दबा करके उसे खरोचना है नाखून से, तो आपको यहाँ दिखाई देगा उस धागा में पतला पतला लरी दिखाई देगा, स्ट्रैंड दिखाई देगा, थिन स्ट्रैंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए, ये फिगर में क्या है, देखिए ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये धागा है, देखिए यहाँ ये है स्पिल्टिंग द यार्न इंटू थिन स्ट्रैंड, इसको क्या किया, रख दिए स्पिल्ट करके, उसके बाद देखिए यार्न स्पिल्ट इंटू थिन स्ट्रैंड, देखिए इसमें एक स्ट्रैंड निकला है, दो स्ट्रैंड निकला है, थ्री स्ट्रैंड निकला है, यही धागा मिल करके मोड़ा हुआ था, उसको जब नाखून से खरोचा गया तो इसका अलग अलग स्ट्रैंड निकल गया, यानी देखिए ये जो धागा है वो भी कितने कितने स्ट्रैंड से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलियर व्हेन आउट व्हेन यू ट्राई द थ्रेड इन निडल, इसमें क्या होगा, अब आप क्या कीजिए, सुई में धागे को, जो सुई में हम लोग धागा घुसाते हैं, तो आप क्या कीजिए, सुई में धागा को डालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड, कई बार क्या होता है कि धागा का जो कुछ सिरा होता है वह कुछ कुछ पतली लरियों में सेपरेट हो जाता है। जब आप कोशिश कीजिएगा, जब आप सुई में एक धागा घुसाते हैं तो देखते होंगे कि जब घुसाते होंगे तो उसमें से और एक स्ट्रैंड निकल जाता है, अलग धागा निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, केयरफुल तरीके से धागा घुसाना है। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप कैसे घुसाएं। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है, जैसे घुसाओगे, जैसे कि मान लीजिए सुई है, ठीक है, छोटा सा पतला सुई है, आप यहाँ धागा घुसा रहे हो, जैसे धागा घुसाते हो तो देखिएगा दो स्ट्रैंड निकल जाता है ऐसे करके। ठीक है, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टील थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स, तो ये जो पतले पतले ये होते हैं, ये धागे की दिखाई देने वाले पतली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियाँ से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग फाइबर कहते हैं। यानी कि एक लरी अगर है, मान लीजिए ये एक लरी है, ये एक लरी है, ठीक है, ये एक लरी के अंदर कितने सारे लरी होंगे, पतले पतले, जो आँख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप जिस नाखून से खरोचिएगा तो पतला पतला धागा दिखाई देगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो बहुत सारे धागे मिल जाएंगे उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। ठीक है, और यही फाइबर, ढेर सारा फाइबर अगर बन जाएगा, पूरा मेला मिल जाएगा, तो एक फैब्रिक का निर्माण करेंगे, यानी एक कपड़े का निर्माण करेंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, यानी जो फैब्रिक होते हैं वो धागे के बने होते हैं, यानी यार्न के बने होते हैं, और ये यार्न जो होते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं, यानी तंतु के बने होते हैं, यानी फैब्रिक्स में यार्न होते हैं। मान लीजिए ये कपड़ा है, ये फैब्रिक है, इसमें ये सब क्या यार्न है, ठीक है, और इस यार्न के अंदर पतले 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 धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, पतले पतले फाइबर्स,
इसी यार्न में पतले पतले फाइबर्स होते हैं, ये सारे फाइबर्स मिल करके क्या बनाएंगे, एक क्लॉथ का निर्माण करेंगे, कपड़े का निर्माण करेंगे। दैट्स क्लियर। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? अब ये जो फाइबर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये जानना जरूरी है ना, ये जो फाइबर है वो कहाँ से आते हैं, आखिर कहीं से आते होंगे तभी तो कपड़े बनते हैं। नाउ द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जैसे कि कुछ जो फाइबर होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, कुछ फैब्रिक्स जो जो कुछ कपड़े होते हैं वो किस किस फाइबर से बने होते हैं, जैसे कॉटन से, जूट से, सिल्क से, उलेन, आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये सारे जो हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से होते हैं, हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। जैसे कि सिल्क हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, ऊल एनिमल से, जूट प्लांट से, कॉटन प्लांट से, ये सारे हमें एनिमल और प्लांट से ऑप्टेन होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर, क्योंकि जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हमें फाइबर मिलता है उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। दैट्स क्लियर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट। ये कॉटन और जूट जो होते हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इसका किसका एग्जाम्पल है, ये प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट। ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल, ये जो ऊल होते हैं, सिल्क होते हैं, ये हमें एनिमल से ऑप्टेन होते हैं, इसलिए हम लोग इसे एनिमल फाइबर के नाम जानते हैं। ओके। ऊल इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गॉट, ये जो ऊल होते हैं वो गॉट यानी बकरे, ठीक है, और सीप यानी भेड़, इसके बाल से, फ्लीस मतलब हेयर, यानी उसके हेयर से हमें ऊल मिलता है, यानी ऊन मिलता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, जैसे कि रैबिट, रैबिट के बाल से भी हमें ऊल मिलता है, याक के बाल से हमें ऊल मिलता है, ठीक है, कैमल, कैमल के बाल से भी हमें ऊल मिलता है। लाइक सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क, ये जो सिल्क फाइबर है, सिल्क एक कोक, सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, ये एक इंसेक्ट है सिल्क वॉर्म, ठीक है, एक एनिमल है, सिल्क वॉर्म से कोकून बनता है और कोकून से भी हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं, ठीक है, तो इससे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका डिटेल से पढ़ने के लिए आप क्लास 7 में पढ़ोगे सिल्क का लाइफ साइकिल। देन नेक्स्ट, 4000 ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, जैसे कि हजारों वर्ष तक फैब्रिक निर्माण के लिए केवल क्या किया जाता था, नेचुरल फाइबर का ही यूज होता था। मतलब कि पहले के टाइम में 1000 ईयर्स पहले क्या होता था कि लोग ना जो कपड़े पहनते थे उसमें ओनली नेचुरल फाइबर का ही यूज़ करते थे, लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों से यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल का यूज़ किया जा रहा है, यानी केमिकल चीज़ का यूज करके क्या किया जा रहा है, कपड़े बनाए जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बुजू एंड सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन सो हियर, दिस वेयर ओन बाय वेरियर, ही वॉन्ट टू नो इफ दिस आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। तो बुझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को म्यूजियम में देखता है, ठीक है, तो इन्हें वो क्या कहते हैं, इन्हें योद्धा भी पहनते हैं, वैरियर भी पहनते हैं, तो वो यह जानना चाहता है कि ये भी किसी प्रकार के फाइबर से बने हैं। यस, ये भी फाइबर से बने हैं, ये कपड़े क्या है, फाइबर से ही बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबस्टांस विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सब एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर और पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, जैसे कि ऐसे सब्सटेंस जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है, यानी ऐसे कपड़े जो केमिकल के बनाए जाते हैं, केमिकल से मिला करके बनाए जाते हैं, तो केमिकल्स तो प्लांट्स और एनिमल से तो नहीं बनते, नहीं मिलता है हमें, ऑप्टेन नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसे कि पॉलिस्टर के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, एक्रिलिक के कपड़े, ये सारे कपड़े जो बनाए जाते हैं उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, तो इससे ये हमें केमिकल्स हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, यानी कि इसे हम लोग मैन मेड कहते हैं, यानी कि ये आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है। और नेचुरल में कौन होंगे, नेचुरल में ऊल होंगे, फिर कॉटन होंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आपका सिल्क होंगे, ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, लेकिन पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये सिंथेटिक फाइबर है, ये हमें एनिमल प्लांट से नहीं मिलता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये मैन मेड यानी कि आदमी खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल है ये। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ सम प्लांट्स फाइबर, अब हम लोग जानेंगे कुछ प्लांट्स फाइबर, तो सम प्लांट्स फाइबर कौन कौन है, कॉटन है और जूट है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, व्हाट डू यू यूज द मेकिंग दिस विक्स, दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्वेट और पिल्लोज, जैसे कि
बताया गया है कि क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दा बनाने में, रजाई बनाने में और तकिया बनाने में किया जाता है। ओके, मैट्रस, गद्दा, क्वेट मतलब क्या होता है, पिलोज मतलब तकिया का कवर, ठीक है, रजाई। टेक सम कॉटन ऊल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स इजेस। आपको क्या करना है, कुछ रुई लेना है, ठीक है, कुछ रुई लेना है। कुछ रुई लेने के बाद उसे आपको खींच करके अलग करना है, उसे उस रुई को लेना है, उसके बाद उसको आपको पुल करना है, खींचना है, ठीक है। एंड लुक एट इट्स एजेस, तो उसके कुछ किनारों को आप ध्यान से देखिएगा, रुई का किनारे जो होता है उसको ध्यान से देखिएगा, एजेस, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप कॉटन फाइबर्स, तो आपने देखा कि ये छोटी छोटी पतली लड़ियाँ हैं जिसे आप देख रहे हैं, वो क्या है, वो क्या होता है, वो कॉटन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये कॉटन फाइबर्स हैं। वेयर डज दिस कॉटन ऊल कम फ्रॉम, ये जो रुई है वो कहाँ से आती है, ये कॉटन जो है वो कॉटन कहाँ से आती है, ठीक है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, इसे फील्ड में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, कॉटन का प्लांट जहाँ लगा जाता है वहाँ का जो सॉइल होता है वो ब्लैक सॉइल होता है, यानी काली मिट्टी होती है, वहाँ का वार्म क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है, मिट्टी काली होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप उस कंट्री का नाम बता सकते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, कॉटन का खेती किया जाता है, कॉटन के प्लांट लगाए जाते हैं, उस स्टेट का नाम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द फ्रूट्स ऑफ दिस कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स आर अबाउट दिस साइज ऑफ ए लेमन, तो आपको ना कॉटन प्लांट यानी कपास, यानी कॉटन जो होते हैं, कॉटन के प्लांट्स के जो फल होते हैं फ्रूट्स, उसे हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं, यानी उसका जो फ्रूट होगा उसे कॉटन बॉल्स कहते हैं, ठीक है। वो लगभग नींबू जैसे होता है ना, नींबू के साइज का होगा उसका फ्रूट्स, कॉटन प्लांट्स का फ्रूट्स, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, जब ये जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि ये कॉटन बॉल्स, जब ये मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, मैच्योर होने पर उसके सीड टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है, थीके? और ये जो कॉटन का फाइबर है वो क्या होता है, यानी कि वो मैच्योर होने के बाद कॉटन बॉल्स ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, थीके? और उसमें सीड दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, आप कॉटन फाइबर्स को देख सकते हैं। हैव यू एवर, देखिए ये, देखिए यहाँ पे क्या है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ये कॉटन प्लांट्स का फील्ड, देखिए ये सारे क्या है, वाइट वाइट, ये सारे रुई हैं, ठीक है, देखिए, और यही रुई जो है गोल गोल बॉल बन के निकलेगा, उसके अंदर सीड होते हैं और सीड जमीन पे गिरते रहते हैं, ठीक है, थीके? ऐसे ही कुछ देख के कितना अच्छा लग रहा है ये वाला देख करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, इसके बाद क्या होता है कि जब आप देख लीजिएगा इस कॉटन का बीज को, यानी कपास के बीज को, क्या आपने ऐसा खेत देखा है, आपने ऐसा खेत देखा है जो कपास जो होते कॉटन होते हैं चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, यानी पिकिंग, यानी जब बॉल मैच्योर हो जाता है तो इसे हम चुन सकते हैं, ठीक है। चुनने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे हम लोग, उसका धागा निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि इट्स लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, इसका जो फील्ड होता है आपको देख के लगेगा स्नो के जैसा, देखिए यहाँ पे जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कितना स्नो है, ये फील्ड है, देख के लग रहा है कि पूरा मतलब पूरा स्नो हुआ है, मतलब कि नहीं होता है हिम का टुकड़ा गिरा हुआ, बर्फ का जैसे गोला होता है लगता है सबके ऊपर गिरा हुआ है, जस्ट लाइक द वाइट वाइट, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, जस्ट लाइक वैसा ही दिखता है ये कॉटन का प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड, अब क्या होता है कि जब ये मतलब उस बॉल मैच्योर हो जाता है, जब पिक्ड कर लिया, इसे हाथ से क्या किया जाते हैं, पिक्ड कर लिया जाए, हाथ से चुन लिए जाते हैं, ये कॉटन बॉल्स को हाथ से नोच नोच करके चुन लिए जाते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, अब इसे क्या करते हैं, उसको फाइबर्स को यानी उस कॉटन फाइबर को कम्ब यानी कंघी के थ्रू अलग करते हैं, उसमें जो बीज होते हैं कॉटन बॉल्स में जो बीज होते हैं उस बीज को अलग किया जाता है उस कॉटन से, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, एक कंघी होता है, ठीक है, उस कंघी से उसको अलग करते हैं ताकि बीज अलग हो जाए और वाइट वाला कॉटन अलग हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, ठीक है। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दिस डे मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग,
तो ये जो गिनिंग है, गिनिंग प्रोसेस, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस यानी पुराना प्रोसेस है। ये गिनिंग जो प्रोसेस है वो हाथ से किया जाता है, लेकिन दिस डे आज के समय में क्या होता है, मशीन्स हो गए हैं, आज मशीन्स का यूज़ हो गया है गिनिंग करने के लिए। ठीक है, कि उसमें क्या होता है, मशीन ही उस बीज को अलग कर देती है उस कॉटन से, लेकिन पहले समय में क्या होता है, हाथ का यूज़ किया जाता था, रुई को अलग किया जाता था और कॉटन के जो बीज होते हैं उसको अलग किया जाता था। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया, देखिए ये गिनिंग ऑफ कॉटन, देखिए ये कंग है, देखिए ना कंब है, और ये सारे कितने सारे कॉटन के बॉल है, इसमें बहुत सारे सीड हैं, तो इससे क्या होगा, सीड अलग हो जाएगा, कॉटन बॉल अलग हो जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जूट, ये क्या है, ये भी एक प्लांट फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट्स। ये जूट फाइबर जो होते हैं, यानी जूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, पटसन, पटसन। ठीक है, जूट के स्पेशली आप लोग कुछ कपड़े भी देखे होंगे, जूट के बैग भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं, कहाँ से ऑप्टेन होता है, ये ऑप्टेन होता है जूट प्लांट के स्टीम से। जूट जो प्लांट होते हैं, मान लीजिए जूट का प्लांट है, ठीक है, ये जूट का प्लांट है, ये क्या लीफ है, ये जो इसका स्टीम है, इस स्टीम से जूट फाइबर बनाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये क्या होते हैं, इसकी खेती जो होती है वर्षा ऋतु में होती है। ठीक है, इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इंडिया में जूट की खेती कहाँ की जाती है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड आसाम में। ठीक है, द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जूट प्लांट का जो होता है, जब ये कब हमको, मतलब इस प्लांट को हम कब हटाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाती है, तो इसका जो ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में। अब ये जूट प्लांट को हम हार्वेस्ट कब करते हैं, उसकी कटाई कब करते हैं, ठीक है, जब इसमें फ्लावर आने लगते हैं, जब इसमें फ्लावर हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि ये जो है जूट प्लांट्स है ये तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसकी हम लोग कटाई करते हैं। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन द वाटर फॉर ए few days, these steam rod and fibers are separated by hand. तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये जूट प्लांट का फिगर है, ये प्लांट का फिगर, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये स्टीम है, ठीक है, ये स्टीम है, और इसमें क्या होंगे, जब फ्लावर आने लगेंगे तो इसके स्टीम को काट लिया जाता है। ठीक है, काटने के बाद क्या किया जाता है, इसे पानी में डुबा के रखा जाता है, कुछ दिनों के लिए पानी में डुबा देंगे, उसके बाद क्या होता है, जब इसके स्टीम गल जाते हैं पूरी तरीके से, तो उसे क्या किया जाता है, उससे जूट निकाला जाता है। ठीक है, हाथों के द्वारा उसे जूट निकाल के हाथों से अलग अलग उसका फाइबर निकाला जाता है, जूट का फाइबर, वो भी हाथ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये दिस स्टीम रोट फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, इसके रोट को निकाला जाता है इस स्टीम से। ठीक है, तो ये हुआ आपके इसके बारे में, जूट के बारे में। ठीक है, तो ये जूट का प्लांट है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। अब है नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, टू मेक फाइबर्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न, हाउ टू इज डन। तो जो वस्त्र होते हैं कपड़े बनाने के लिए, पहले क्या किया जाता है, इसे यार्न में चेंज किया जाता है। तो ऐसे कैसे होगा, ये यार्न में कैसे चेंज करेंगे हम इसे, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि सूती के जो होते हैं धागे की कताई कैसी होती है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरी देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी या समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तभी ना मुझे समझ में आएगा कि आपको सच में समझ में आया है नहीं वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।